शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज से राष्ट्रीय आजीविका सरस मेला शुरू हुआ। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस 10 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस मेले में विभिन्न राज्यों से स्वयं सहायता समूह आए हैं, जिन्होंने अपने उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरस मेले में चित्रकारी सूट, अचार, चटनी, आयुर्वेदिक वस्तुएं, हिमाचली शहद और विभिन्न राज्यों के उत्कृष्ट हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस मेले का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए मंच प्रदान करना है। एडिशनल इनकम के लिए जो है वो सरकार के द्वारा विभिन्न जो विभाग हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो महिलाओं के जो हैं वो बनाते हैं। ये हमारे जो ब्लॉक्स हैं सारे हिमाचल प्रदेश में, उनके अंतर्गत महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं और उसमें महिलाएं ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करती हैं। लोकल प्रोडक्ट्स के साथ साथ जब वो घर में काम नहीं होता है कृषि का, तो वो अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर चौलाई के लड्डू बना कर लाए हैं, यहाँ पर जो है वो मूढ़ी जिसको कहते हैं, जो चावल की भी होती है, गेहूँ की भी होती है, और इसके अलावा जो है वो चुल्ली होती है, यहाँ पर एक खुमानी का जो रूप है वो उसका तेल बनाने का काम है। इस प्रकार की जो है इनकम महिलाओं को हो तो उससे जो है वो अपने घर को चलाने में जो है बहुत सुविधा भी होती है, उनका समय भी जो है वो प्रोडक्टिव काम में जो है वो मिलता है।